एकदम खस्ता प्याज की कचौरियाँ। दुकान वाला भी फेल हो जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, और ये है बिना मैदे का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा, इस चैनल की होस्ट। ठंड ने दस्तक देना स्टार्ट कर दिया है और हमारे जो स्वाद का जायका है वो भी अब ठंड में ना कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, तो मन करने लग गया कि कुछ फ्राई खाया जाए, पूरियां, कचौरियां। तो आज की मेरी रेसिपी है प्याज की कचौरियां, यानी कि ऑनियन कचौरी। तो चलिए झटपट से बनाते हैं। हलवाई जो बनाते हैं ना, बिल्कुल एकदम खस्ता और एकदम फूले फूले से, सारे सीक्रेट है हलवाई वाले। तो एकदम आप इसी तरीके से बनाइए, आपकी कचौरियां भी ऐसी ही बनेंगी, एकदम फुली फुली क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं झटपट से इसकी रेसिपी। पर उससे पहले आप रुकिए, क्यों रोक रही हो? आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो करिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बना के हर रोज खाते हैं, वही आटा लिया है मैंने 2 कप। ये मैदा नहीं है, हम लोग बनाएंगे कचौड़ियां आटे से। तो 2 कप ले लिया है मैंने आटा, और उसी कप से 1/4 कप लिया है सूजी। सूजी चाहे आपके पास जो भी है, बारीक वाली है, थोड़ी मोटी वाली है, जो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच लिया है अजवाइन, उसे देखिए इस तरीके से क्रश करके हम डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, कचौड़ियों में जो अजवाइन की स्वाद होती है बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट, स्वाद अनुसार 1/4 टीस्पून डाला है मैंने नमक, बहुत थोड़ा सा नमक डाल करके इसे हम एक बार मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए रिफाइन ऑयल। हाँ, मैंने रिफाइन ऑयल ही डाला है। अगर आपको मन है घी डालने का तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, पर मैंने रिफाइन ऑयल डाला है, वो भी डाला है 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, उतना डाला है जिससे कि एक अच्छी सी बाइंडिंग, जब हम इसे ऐसे करेंगे तो वो बन जाए। अगर नहीं बन रहा है तो आप 1 चम्मच तेल यानी रिफाइन ऑयल और डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, एक साथ ढेर सारा पानी कभी भी नहीं डालिएगा वरना डो गीला हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटा लगा लेंगे। अब डो है तैयार, इसे मैंने मीडियम लगाया है, रोटी से थोड़ा टाइट, बस उतना ही, ना बहुत सॉफ्ट चाहिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए। तो देखिए इस तरीके से। अब इसे रेस्ट के लिए हम रख देंगे 1/2 आवर के लिए ढक करके। अब चलिए हम लोग स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो 1 चम्मच लिया है खड़ा धनिया, 1/2 चम्मच लिया है जीरा, खड़ा जीरा है ये, 2 लिया है मैंने लाल मिर्ची, 8 से 10 दाने लिया है काली मिर्च की, ब्लैक पेपर, 3 लिया है मैंने कार्डमम यानी कि इलायची, और लिया है 1/2 चम्मच सौंफ। तो ये कॉम्बिनेशन है मसाले की। इसे हम ड्राई रोस्ट करके, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो स्टफिंग का है मसाला हमारा रेडी। इन खड़े मसालों को अभी हम बहुत ज्यादा भून करके डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, मसाले को ऑयल में डाल करके भी भुनेंगे, तो इस समय हमें हल्का ही भुनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो कलर आप देख रहे होंगे, इसी तरीके से आप भूनिएगा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखिए हमारा मसाला है रेडी। इसे हम थोड़ा सा दरबरा ही पीसेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, इसे थोड़ा ज़्यादा खड़ा भी रहेगा तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग 4 चम्मच बेसन, हाँ बेसन, इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से एकदम स्लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए 5 से 7 मिनट लगेगा इसे लो फ्लेम पे भुनने में। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इस तरीके से गोल्डन दिखने लग जाए तो बेसन भुन चुका है, जलाइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो बेसन है भुन के रेडी। अब हम नेक्स्ट लेंगे प्याज, अदरक, मिर्ची।
मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्याज लिया है मैंने 3, 2 बड़े और 1 मीडियम साइज के। तो आप कह रहे होंगे ना प्याज की कचौड़ियों में सीमा प्याज तो अब दिखा है, तो हाँ अब हम प्याज को लेकर के छोटे छोटे फाइन चॉप कर लेंगे। इसे हाथ से ही चॉप करिएगा छोटा छोटा, क्योंकि अगर इसे चॉपर में चॉप करेंगे तो इसे पानी निकलने लग जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने देना है। चॉपिंग है डन। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो भी आपको पसंद है, या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम मंगरेल यानी अनियन सीड्स और सौंफ का तड़का लगाएंगे। इसके बाद हम डाल देंगे चॉप किए हुए अदरक। इन सबको अच्छे से कुछ सेकंड तक चला करके भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करना है, बस कुछ सेकंड तक फ्लेम हम लो कर लेंगे। तो इसे चलाने के बाद जो हमने मसाले तैयार किया था वो हम अभी इसमें डाल देंगे। बताया था मैंने मसाला हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो तभी भी भुन जाएगा। तो 1 बड़ा टीस्पून फुल करके डाला है, हालांकि मैंने 2 बार में है तो हाफ हाफ टीस्पून डाला है, लेकिन ये 1 फुल बड़े चम्मच से 1 फुल टेबलस्पून डाला है। उसे डाल करके इसे हम चलाते हुए भुनेंगे 30 सेकंड तक। इस तरीके से लो फ्लेम पे भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो फाइन चॉप किया था प्याज, और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची अभी इसलिए डाला है क्योंकि इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो हरी मिर्ची पहले नहीं डाल करके अभी प्याज के साथ डालिएगा। तो इसे हम ऐसे ही चलाते हुए भुनेंगे। प्याज को एकदम मेल्ट नहीं होने देना है, बस इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए उतना ही भुनना है हमें। और एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स डालना मैं भूल गई थी, पर मुझे राइट टाइम पे याद आ गया है। तो प्याज को साइड करके जो उसमें ऑयल है उसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग जरूर डालिएगा, कचौड़ियों में हींग का जो स्वाद होता है ना वो कचौड़ियों का स्वाद बढ़ा देता है। तो हींग डाल करके जैसे ही हींग इसमें ऐसे गर्म हो जाए इसके बाद हम इन सबको मिक्स कर देंगे। हींग को हम प्याज डालने से पहले ही डालना था पर मैं भूल गई थी इसलिए अभी डाला है, तो आप पहले ही डाल दीजिएगा। तो डालने के बाद इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे 1/4 टीस्पून एक छोटे चम्मच से हल्दी, 1 छोटे चम्मच से लाल मिर्ची पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर है ये, और स्वाद अनुसार नमक। नमक ध्यान रखिएगा हमने डो में भी डाला है तो नमक उसी हिसाब से डालिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डालेंगे आमचूर। ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, ये घर का बना हुआ आमचूर है। इसमें थोड़ा तेल मसाले भी मिले हुए हैं इसलिए इसका कलर इतना डार्क है। तो अगर आप मार्केट वाला लेंगे तो आपको पाउडर जैसा दिखेगा। तो इसे डाल करके हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। सिर्फ 1 मिनट इसे भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन जो हमने भुन के रखा था, हाफ डाल करके इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर अच्छे से मिलाने के बाद बाकी का हाफ भी हम इसमें डाल देंगे। जो हमारा स्टफिंग है वो भुरभुरा सा ड्राई होना चाहिए, तो इसे फटाफट से मिलाएंगे। और अब लास्ट में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बहुत ही थोड़ा सा शुगर यानी कि चीनी। इससे क्या है सारा जो स्वाद है ना उसका बैलेंस अच्छे से सेट हो जाता है। तो सबको हम अच्छे से मिला करके बस 30 सेकंड मिलाने के बाद इन सबको भुनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ये है रेडी। आप इसमें चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसे हम निकाल करके प्लेट में रख देंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। तो स्टफिंग है रेडी एकदम। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ हलवाइयों का सीक्रेट। ये है 2 चुटकी खाने वाला सोडा। इसे आप स्टफिंग में जरूर मिलाइएगा, इससे एकदम फुली फुली कचौड़ियाँ खस्ता तैयार होंगी। ये हलवाइयों का सीक्रेट है, वो बताते बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टफिंग के हम छोटे छोटे बॉल इस तरीके से तैयार करके रख लेते हैं। इतने स्टफिंग से 10 कचौड़ियाँ बनेंगी। स्टफिंग के बॉल है रेडी। अब चलिए हम डो को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद उसके भी बॉल बना लेते हैं।
जो आटा लिया है मैंने उससे भी 10 बॉल ही बनेंगे। तो सबको इक्वली डिवाइड करके मैंने छोटे छोटे बॉल बना करके रख लिए हैं, देखिए इस तरीके से। तो आटे की जो लोई है यानी कि जो पेड़े है उसको हम इस तरीके से साइड साइड से प्रेस करके इसे हम फैला लेंगे, एक कटोरी के जैसा शेप हम देंगे। साइड से थोड़ा पतला पतला हम बीच से दबाते हुए फैलाते हुए देखिए इस तरीके से डो को रख करके प्रेस कर करके घुमाते हुए इसे हम अच्छे से लॉक कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा आटा है आप निकाल भी सकते हैं, और अगर आप इसे अच्छे से देखिए इस तरीके से बैलेंस कर पाए तो इसे आप अच्छे से लगा दीजिए, और हाथ से ही इसे प्रेस कर करके हम इसे बड़ा कर लेंगे। इसे बेलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे हम हाथ से ही कर सकते हैं, और साइड को हम इस तरीके से प्रेस कर करके हम पतला कर लेंगे। पीस से थोड़ा मोटा रहता है, साइड से हम इसे पतला करके देखिए इस तरीके से हम इसे शेप दे देंगे। तो ये है एकदम तैयार, सारी कचौड़ियां हैं फ्राई होने के लिए एकदम रेडी। तो अब चलिए हम लेते हैं कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे ऑयल फ्राई करने के लिए, ये रिफाइन ऑयल है। जब ऑयल गर्म हो जाए हम इसे हाई फ्लेम पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, इसे हम मीडियम फ्लेम पे हीट करेंगे। तो देखिए जब हम कचौड़ियाँ डालेंगे तो साइड से इस तरीके से छोटे 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 बबल्स बने, बस उतना ही हीट चाहिए हमें। इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल करके चेक कर लेंगे क्या ये गर्म है, अगर आटा डालने के बाद तुरंत फटाफट से वो ऊपर आ जाए तो ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है, इतना हीट नहीं चाहिए, इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए फिर डालिएगा। तो डालने के बाद देखिए साइड से इस तरीके से छोटे 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 बबल्स बने, उतनी ही हीट ऑयल की होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, तभी आपकी कचौड़ियाँ अच्छे से अंदर तक कुक होंगी, क्रिस्पी बनेगी और स्वादिष्ट लगेगा, कच्चा कच्चा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसे आराम से इसी तरीके से चलाते हुए इसे फ्राई करने में आपको 12 से 13 मिनट लग जाता है, क्योंकि इसे लो फ्लेम पे आराम से फ्राई होने देना है। इस समय आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही होगा। तो आप एक और काम कर सकते हैं, ढेर सारा ऑयल डाल करके एक साथ ढेर सारी कचौड़ियाँ फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि कचौड़ियाँ फूलना स्टार्ट हो गया है, एकदम बढ़िया गोल गोल सा फूल जाता है, जैसे एकदम मार्केट में बनते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो इसे हम लास्ट में अच्छे रंग के लिए थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसे अच्छा गोल्डन कलर हम दे देंगे। तो इस तरीके से उलटते पलटते बढ़िया से इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, आपको देख के भी समझ में आ जाएगा कि ये अच्छे से फ्राई हो गया है, हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल जाएगा और कच्चा लगेगा। तो अब ये है एकदम रेडी फ्राई हो करके, तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा साइड में रोक करके जरूर निकालें, इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है कचौड़ियों में वो निकल जाता है। इसे हम गर्मा गर्म घर पे खाएंगे तब तो ये मज़ा आता ही है खाने में, लेकिन अगर कोई पिकनिक पे हम जा रहे हैं या हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी हम इसे बना के लेके जा सकते हैं, ये बिल्कुल ड्राई ड्राई नहीं लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। प्याज की कचौड़ियाँ हैं एकदम रेडी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए, तो मैं इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए अच्छे से चारों तरफ जो स्टफिंग है अच्छे से स्टफ हुआ है। इसे हम खाएंगे हरी चटनी, पुदीने और धनिया, लहसुन अदरक मिर्ची की हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ। तो ले लिया मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्ची, और इसमें मैं अब डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी। तो नमक डालने के बाद डाल दिया मैंने फ्रेश हरी धनिया और मिंट यानी कि पुदीना, इन सबको डाल करके इसमें हम डालेंगे एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स, वो है दही। दही डालने की वजह से इसका जो कलर है चटनी का एकदम हरा हरा जो रेस्टोरेंट में दिखता है ना बिल्कुल वैसा आएगा। तो ग्राइंड करके चटनी है एकदम रेडी। इमली के चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो आप वहां से जाके देख के बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाइए खाइए, इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सर्व। तो हाँ मिलेंगे हम मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।